हेलो फ्रेंड्स, प्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल, तो चलिए 12 अप्रैल करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉच माई इग्निस विद BCCI। ये बुक है जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक विनोद राय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? यह 7 साल फ्रेंड, यह 7 साल पूरे किए हैं। 7 अप्रैल 2015 को इसने 7 साल पूरे किए हैं। 7 अप्रैल 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित फर्स्ट हिंदी उपन्यास कौन है? यह टॉम्ब ऑफ सैंड है फर्स्ट हिंदी उपन्यास, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक गीतांजलि श्री है। इनकी बुक है ये, इनकी उपन्यास है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीता है? यह रिया जालदोन ने जीता है। नेक्स्ट, पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल आइजॉल है, CM जोरम थंगा है और गवर्नर के हरिबाबू हैं। नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने कहाँ प्रशिक्षण पूरा किया? आंसर USA। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर अरुणाग घोष। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख बने हैं? विकास कुमार। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसे वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की है? तो ये 18 वर्ष। नेक्स्ट, WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? आंसर है कोवैक्सीन। चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।